आशीष, जिस तरह से हमने देखा है कि आज के टाइम में एजुकेशन स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिले, क्या राय होगी एप्टेक, करियर पॉइंट, एडिकॉम जैसे स्टॉक्स में? अगर हम ये जो स्टॉक्स है जो एजुकॉम सेक्टर में है उनमें से कुछ स्टॉक्स देखते हैं, तो कुछ स्टॉक्स का जो चार्ट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन दो चार्ट जो मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं उसमें से पहला है एप्टेक। ऑलरेडी आज वो करीबन 17-18% ऊपर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर इसके पहले ये जो स्टॉक था इसने टेस्ट किया था जो लेवल है वो है करीबन 270 का, तो मैं मानता हूँ कि ये जो मोमेंटम चालू है वो 270 ऑड लेवल्स तक जाने की संभावना है। और दूसरा जो इस सेक्टर में से स्टॉक है वो है जीलन। ये एक इसका अगर हम पैटर्न देखते हैं तो ये भी एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि इसमें ये मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर की तरफ अगर हम इसका चार्ट लक्ष्य देखते हैं तो वो करीबन मीडियम टर्म के हिसाब से देखते हैं तो करीबन 55-56 के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। जी लर और एप्टेक वाला अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है आशीष, ये मान के चल रहे हैं। आज आशीष देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा काफ़ी दबाव देखने को मिला, सरकारी बैंकों में देखिए यूनियन बैंक, ऑपरेशन बैंक, ओबीसी, पीएनबी में दबाव देखने को मिला, प्राइवेट में देखिए आईसीआईसी बैंक, जेएनकेआर, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। क्या राय होगी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक की जो गिरावट है इसको आप खरीदारी के तौर पर मानेंगे? अगर मानते हैं ऐसा तो कौन सा शेयर खरीद सकते हैं, या आपको लगता है बिकवाली करनी चाहिए तो किस शेयर में बिकवाली करने की सलाह देंगे आप? अगर सरकारी बैंकों की हम बात करते हैं मनीष जी, तो मैं मानता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन स्टॉक्स में रखना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं एसबीआई के बारे में बात करना चाहूंगा। एसबीआई के लिए मैं मानता हूं कि ये जो दबाव ये सेक्टर में आता हुआ नजर आएगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा इनमें देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो दो बैंक, एक बैंक मैं ज्यादा अच्छी तरह से रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे, वह इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक का हम चार्ट रेफर करते हैं तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि इसका जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1500 रुपए का। हालांकि मैं ये लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूं, इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, डीप डाउन स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा करीबन 1280 रुपए का, और 1500 के लक्ष्य मैं देख रहा हूँ। तो कहने का अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 1500 रुपए तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। एक सेक्टर और देख लीजिए जल्दी से आशीष, कुछ एक ऐसे स्टॉक जो गिरते बाजार में चढ़े हैं, खासतौर पे गुजरात अपोलो, वैभव ग्लोबल, विल्सन मैंगूर, पीबीए इंफ्रा, आरपीपी इंफ्रा, मन्नापुरम फाइनेंस, मैकनली भारत जैसे स्टॉक से काफी लिस्ट लंबी है, इसमें कोई शेयर पसंद है? खासतौर पर आप मन्नापुरम फाइनेंस देखिए, मैकनली भारत देखिए और आईटीडीसी देखिए। अगर हम इन सारे जो स्टॉक आपने अभी अभी जिनकी बात की तो उसमें से मैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। इसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये करीबन 58-59 लेवल से एक अच्छी रैली इस स्टॉक ने दी है, और रैली के बाद एक कंसोलिडेशन, प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसा स्टॉक होगा जहाँ पे हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं लंबे। अगर फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म टारगेट देखते हैं तो करीबन 107-108 रुपए का दिखाई दे रहा है, और अगर हम लंबे समय का अगर हम जायजा लेना चाहते हैं, अगर 107 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है तो मैं मानता हूँ कि 130-135 के लक्ष्य भी इस चार्ट पर टेस्ट करते हुए नजर आएंगे।